तो संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी। गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि देख लीजिए हमें धमकी दी जा रही है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मदद के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दोबारा जेल जाने की नौबत संजय राउत की आ चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहित कम्बोज ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि सलीम और जावेद का मिलन का समय आ गया है। लगता है अब आपको बता दें कि सलीम और जावेद जिस जोड़ी की वो बात कर रहे हैं, ये नवाब मलिक और इसके साथ ही संजय राउत की है। और इससे पहले भी संजय राउत और नवाब मलिक के बारे में वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए ये नाम बता चुके हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये संजय राउत की बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय राउत को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अतुल भातखलकर ने भी एक वीडियो जारी किया है और सीधे तौर पर संजय राउत को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपनी भाषा मर्यादित नहीं रखी तो जल्द ही वो फिर से जेल के अंदर नजर आएंगे। अब इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके की कार्रवाई शिंदे सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर मदद की गुहार संजय राउत की तरफ से की गई थी अमित शाह से, अब उस कार्रवाई से भी संजय राउत डरे हुए हैं और उससे ये साफ नजर आ रहा है कि संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। वहीं पर कोर्ट से जो वारंट जारी हुआ संजय राउत के खिलाफ, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के मानहानि केस में हुआ है। दरअसल संजय राउत ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, अब उसको लेकर किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने मानहानि का दावा ठोका था, जिस मामले में अब जो वारंट है वो जारी हो गया है और संजय राउत की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि संजय राउत अब जल्द गिरफ्तार होंगे और बीजेपी के नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है उसे साफ नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी से पहले का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं पर जिस प्रकार की टिप्पणी बीजेपी के नेताओं पर उनके द्वारा की गई, उस मानहानि केस में वो जल्द ही जेल जा सकते हैं। तो संजय राउत के दिन जो हैं वो जमानत पर बहुत कम बचे हुए हैं, वो तो जेल जाएंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को लेकर भी जांच चल रही है और आदित्य ठाकरे और इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश की गई थी। अब वो बदला शिंदे सरकार जरूर लेगी और सदन में भी इसको ललकारते हुए शिंदे बता चुके हैं कि आप लोगों ने कंगना रनौत, अर्णव गोस्वामी और इसके साथ ही नवनीत राणा के साथ जो किया वो क्या बदले की कार्रवाई नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि शिंदे सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठाकरे परिवार के 19 बंगलो, अनिल परब का साई रिसोर्ट, असलम शेख के 49 स्टूडियो, हसन मुशरफ, किशोरी पेडनेकर, मुंबई महापालिका के घोटालों का हिसाब पूरा करेंगे।